इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना शायद आप इससे कुछ और ही कंक्लूड करके चले जाओगे। ये है सैमसंग का फोल्ड 1 और ये है फोल्ड 4। इन दोनों में अंतर क्या है? लाइक यू कैन वॉच मेनी क्रिएटर्स वीडियो जो आपको अंतर बता रहे हैं फोल्ड 3 फोल्ड 4 में। आपको ये देखना है कि अंतर क्या बताया जा रहा है, ये नहीं कि कैसे बताया जा रहा है। जो चेंजेस हमें फोल्ड 4 के अंदर देखने को मिले वो इजिली फोल्ड 2 के अंदर भी किए जा सकते थे, लेकिन सैमसंग ने ऐसा किया नहीं। रीजन, कॉम्पिटिशन। कोई दूसरा प्लेयर मार्केट में है नहीं, तो जो हम देंगे वही लोगों को लेना पड़ेगा, ऐसा हम सोचते हैं। एक्चुअल में रीजंस इससे कहीं ज्यादा हैं। लेकिन उन सब के बारे में बात करने से पहले कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमें फ्री मिलती हैं फोल्डेबल्स के साथ। नंबर 1, परफॉर्मेंस। अब भले ही इन फोन्स के अंदर हमें ऑन पेपर सबसे बेस्ट चिप्स देखने को मिलती है, लेकिन ये वैसा परफॉर्म नहीं करेंगी जैसा आपको एक नॉर्मल फोन के अंदर ये परफॉर्म करती हुई मिल जाएंगी। अगर आप फ्लिप 4 फोल्ड 4 के थ्रॉटल टेस्ट वगैरह देखोगे, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 के अंदर थ्रॉटल बहुत ही ज्यादा कम है, ये बहुत ही स्टेबल चिप है, लेकिन फिर भी फोल्ड और फ्लिप के अंदर हमें थोड़ा सा थ्रॉटल होते हुए देखने को ये मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर थ्रॉटल टेस्ट वगैरह को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल डेटा निकल कर आ रहा है उसको देखो। इवन फोल्डेबल्स को छोड़ो, सैमसंग S22 और S22 अल्ट्रा के अंदर सेम चिपसेट है, लेकिन परफॉर्मेंस में दोनों में अंतर है। सिमिलरली अगर मैं एप्पल की बात करूं, आईफोन मिनी के अंदर हमें A15 बायोनिक मिलता है एट 3.2 GHz, लेकिन Geekbench के अकॉर्डिंग उससे भी अच्छा परफॉर्म करता है iPad Air जिसके अंदर A14 Bionic है एट 3.0 GHz। मतलब एक जनरेशन पुराना और लोअर क्लॉक स्पीड पर चलने के बावजूद भी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, विच क्लियरली शोज दैट एक चिपसेट जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसको अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए उतनी ही अच्छी कूलिंग सिस्टम की भी जरूरत होगी। और इस हीट को मैनेज करने का एक ही तरीका है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन माने जगह, और इन डिवाइसेस में ना चाहते हुए भी हमें वो फॉर्म फैक्टर, वो जगह नहीं मिल पाती जो इस तरह के परफॉर्मेंस वाली चिप्स को चाहिए होती हैं अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए। इसी वजह से ऑन पेपर हमें दिख रहा है कि 8 प्लस जेन 1 इसमें है, लेकिन वो परफॉर्मेंस वो वाली नहीं देगी जो S22 अल्ट्रा के अंदर अगर यही चिप होती तो। इसका सॉल्यूशन क्या है? ओप्पो फाइंड N जैसे फोन्स बनाओ जो पूरा फॉर्म फैक्टर एक नॉर्मल फोन की तरह है, लेकिन वो एक फोल्डेबल फोन भी है। ग्रेट आइडिया, राइट? तो आपको नहीं लगता कि सैमसंग के दिमाग में ये आइडिया नहीं आया होगा? डेफिनेटली आया होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ इंसान का आलस। इंसान एवोल्यूशन के टाइम से ही बहुत ज्यादा आलसी है, तो डेफिनेटली अगर इस फॉर्म फैक्टर का फोन आया तो बाहर वाली स्क्रीन काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगी, इतनी ज्यादा कि अंदर वाली डिस्प्ले की जरूरत भी नहीं फील होगी। और कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि इंसान का आलस उसे ये कहेगा ही नहीं कि भाई तुम अनफोल्ड करके अपनी बड़ी स्क्रीन का भी यूज करो। आगे बढ़ने से पहले आपने शायद ये न्यूज तो सुनी ली होगी कि नथिंग फोन पर ₹1000 बढ़ चुके हैं। ये सिर्फ नथिंग के साथ नहीं, बहुत सारे फोन्स के साथ होता रहता है। तो ऐसे में हम कूपन ढूंढने लगते हैं, कोई वाउचर, कोई ऑफर्स वगैरह ढूंढने लगते हैं, लेकिन ये सर्च बहुत ही रेयरली खत्म होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कभी किसी फेस्टिवल के वेट करने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे तब कैशबैक ले सकते हो, तो गोपैसा इज एन ऑनलाइन कूपन एंड कैशबैक प्लेटफॉर्म जहां पर आप हर एक शॉपिंग पर कैशबैक पा सकते हो। यहाँ पर आपको Amazon, Flipkart, Myntra, Ajio जैसी 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट्स मिल जाएंगी, और ये ऐप यूज करना बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको सबसे पहले तो नीचे दी हुई लिंक पर जाकर ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद अपनी डिटेल्स भरकर रजिस्टर कर लेना है, और फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना मनपसंद स्टोर चूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं Amazon पर जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस एक्टिवेट डील पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करते ही ये ऐप मुझे Amazon पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब ये नॉर्मल Amazon है, यहाँ पर वैसे ही शॉपिंग करो जैसे आप करते हो। शॉपिंग करने के 24 से 48 घंटे के अंदर आपका कैशबैक आपके गो पैसा वॉलेट के अंदर दिखने लग जाएगा, और जैसे ही अमाउंट कंफर्म हो जाएगा आप उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। गो पैसा एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी ऐप है, आज तक ये टोटल मिलाकर 150 करोड़ से ज्यादा कैशबैक्स दे चुका है। अगर आप नीचे दी हुई लिंक पर जाकर ऐप को डाउनलोड करते हो तो ₹25 तो आपको इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएंगे, उसके बाद शॉपिंग करो और अपने पैसे बचाओ। तो डेफिनेटली अगर इस फॉर्म फैक्टर का फोन आया तो बाहर वाली स्क्रीन काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगी, इतनी ज्यादा कि अंदर वाली डिस्प्ले की जरूरत भी नहीं फील होगी। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस होगी, हैंडलिंग। जैसा कि मैंने बताया 90% ऑफ द टाइम अगर आपकी बाहर की स्क्रीन यूजफुल है, सारे काम वहां से हो जा रहे हैं, तो अंदर की स्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना भारी फोन को हर टाइम कैरी करना कोई प्रैक्टिकल सेंस तो बनाता नहीं है। साथ ही साथ मैंने अपने दोस्त के फोल्ड 3 के साथ 2 से 3 दिन बिताए थे, वहां मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये फोन मुझे किसी भी ओरिएंटेशन में पसंद नहीं आ रहा। बंद है तो स्क्रीन इतनी ज्यादा छोटी है कि वो मजा ही नहीं आ रहा। It is not a very easy phone to open, and I really don't know from where to open it, so I need to be really careful. Otherwise, the device might slip from my hand. और जब खोल के करो, थोड़ी देर के बाद ऐसा फील होने लगता है कि नहीं यार बंद करके यूज करते हैं।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर की स्क्रीन बिल्कुल ही काम की नहीं है और अंदर की स्क्रीन जो है वो मतलब बिना बात की है, नहीं, लेकिन बात यहाँ पर है मजे की। मुझे दोनों ही एस्पेक्ट रेशियो में मजा नहीं आया। इवन कंटेंट वॉचिंग के टाइम में यहाँ पर बड़े बड़े बेजल्स मुझे देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक दिस। इस आईपैड को लिए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी आज तक मुझे मजा नहीं आता इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट देखने में। रीजन बीइंग, ये जो बेजल्स हैं ये काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसी के साथ फ्लिप की अगर बात करें तो जब भी आपकी कॉल आएगी आपको उसको अनफोल्ड करना ही पड़ेगा। बाहर से अगर आप कॉल उठाते हो तो वो स्पीकर पे चली जाएगी। आपने शायद एक चीज नोटिस जरूर करी होगी कि सैमसंग के जो फोन्स हैं वो बाकी का जो कंपटीशन है, ओप्पो, ऑनर, शाओमी, इन सब के जो फोन्स हैं, रोलेबल या किसी भी तरह के फोल्डेबल फोन्स हैं, उनके मुकाबले सैमसंग उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता। लेकिन फिर भी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा फोल्डेबल बिकने वाले सैमसंग के फोन्स हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा डिवाइस जिसे मास प्रोड्यूस करके उसकी प्राइस को रीजनेबल रखा जा सके, ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हाँ, 1.5 लाख रुपए फोल्डेबल के लिए अपने इनिशियल डेज में एक रीजनेबल प्राइस ही है, और शायद मास प्रोडक्शन ही वो प्रॉब्लम है जिसे दूसरी कंपनीज अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही। और चलो, किसी तरह दूसरी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को मास प्रोड्यूस कर पा रही हैं, फिर उन्हें पहले तो सैमसंग की प्राइसिंग को मैच करना पड़ेगा। लेकिन चलो, यहाँ पर भी वो प्राइसिंग को मैच कर जा रहे हैं। लेकिन एक फोल्डेबल फोन जो है उसकी जो फोल्डिंग मैकेनिज्म है जितना इम्पोर्टेंट वो है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि अनफोल्ड होने के बाद उसकी जो स्क्रीन है उसका यूज किस तरीके से किया जा सकता है, और उस तरीके को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी सैमसंग के जैसा दूसरा कोई भी अभी ऑफर नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ उन्हें दूसरे जो ऐप डेवलपर्स हैं उनके साथ कोलैब भी करना है ताकि वो अपने ऐप्स को हमारे फोन्स के साथ कंपेटिबल कर पाए, उसके स्क्रीन साइज के हिसाब अपने आइकन्स को, अपने इंटरफेस को चेंज कर पाए और उसे बग फ्री भी रख पाए। तो इन सारे कामों को मैनेज करना अभी दूसरी कंपनीज के लिए बड़ी सिरदर्दी है, और इसी वजह से हमें कंपटीशन फोल्डेबल्स के अंदर अभी देखने को नहीं मिल रहा। इसकी लास्ट एंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है ड्यूरेबिलिटी। ये है आईफोन 13 प्रो, कुछ ही टाइम के बाद हमें ये देखने को मिला। सिमिलरली मैंने हाल ही में सैमसंग A73 यूज करा, कुछ ही घंटों के यूज में मुझे ये देखने को मिला, और ये सब ग्लास है। ग्लास यानी हार्ड मटेरियल। कोई भी मटेरियल जितना ज्यादा हार्ड होता जाएगा उस पर स्क्रैच उतना ही कम लगेगा, लेकिन उसके टूटने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जो मटेरियल जितना सॉफ्ट होगा वो उतना ही कम टूटेगा, लेकिन उस पर स्क्रैच काफी इजीली आ जाएगा। और इसी वजह से कंपनीज को अपने ग्लासेस को इतना हार्ड रखना पड़ता है कि उसमें स्क्रैचेस इजीली से ना आ पाए, और इतना सॉफ्ट रखना पड़ता है कि वो गिरते ही ना टूट पाए। फोल्डेबल्स के केस में उसकी इनर डिस्प्ले की बात करें तो वो पूरी सॉफ्ट होती है, विच मीन्स वो काफी इजीली स्क्रैच हो जाएगी। मेरे फ्रेंड के पास जो फोल्ड 3 था उसने अपने फोन को बेच दिया। क्यों? पहले बड़ा मजा आ रहा है चलाने में, मतलब न्यू जी कराया, ऐसे करो और ऐसे ऐसे तकड़ा करके। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि तुमने देखा वो हैवी फोन है, बहुत ज्यादा हैवी फोन है, तो वह ऐसे अनफोल्ड करो, मतलब बड़ा एक बड़ा झंझट था। दूसरा रीजन ये था उसे अनफोल्ड ना करने का कि जैसे मेरे यार दोस्त बैठे हैं, मैं किसी के पास गया तो उसके अंदर थे स्क्रैच, तो अगर उस वह खोलता हुआ है तो उसमें स्क्रैच दिखते तो सब कहते नकली ले रहा था ना, समझ रहे हो? वो जब भी फोन को निकालता था उसमें धूल जो रहती थी उसको इस तरीके से साफ करता था। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि धूल के अंदर होती है क्वार्ट्स, और क्वार्ट्स जो है वो ग्लास से ज्यादा हार्ड होता है, मतलब वो ग्लास को स्क्रैच कर देगा। तो ड्यूरेबिलिटी आज के लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी फोल्डेबल्स में। तो अब यहाँ पर सवाल आ सकता है कि सैमसंग हर साल बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट के साथ फोन को लॉन्च क्यों कर रहा है? क्यों हम जैसे लोगों को ये मौका दे रहा है कि हम ये कह सके कि सैमसंग एक ही तरह का फोन हर साल लॉन्च कर रहा है? हाँ, आईफोन के लिए भी मैं कह रहा हूँ। नंबर 1, रिलेवेंसी, ताकि मार्केट में उनका नाम बना रहे, उनके प्रोडक्ट का नाम बना रहे। नंबर 2, कॉग्निजेंस, मतलब डेटा कलेक्शन, और फिर इस डेटा का इस्तेमाल करा जाएगा आपकी नीड को जानने के लिए या फिर ऐसी स्ट्रेटजीज बनाने के लिए जिससे आपकी नीड को चेंज करवाया जा सके। और ये डेटा उनके पास कब आएगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसे यूज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग कब यूज करेंगे? जब हर साल ये नए नाम के साथ एक कुछ छोटे मोटे अपग्रेड के साथ भी लॉन्च होता रहेगा। नंबर 3, रेवेन्यू। लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसे नहीं। साल 2019 में सैमसंग फोल्डेबल्स की सेल्स ये थी, 2020 में वो इतनी हो गई, 2021 में इतनी, और IDC के मुताबिक 2024 तक ये सेल्स इतनी हो जाएंगी, और इनका असली रेवेन्यू तब स्टार्ट होगा। अभी इनके प्रोडक्ट का दाम है ये, इनकी है इतनी, और प्रॉफिट है ये। लेकिन जैसे जैसे R&D होती रहेगी, प्रोडक्ट को मास प्रोड्यूस करना और ज्यादा इजीली होता जाएगा, तो वहां पर प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हो जाएगी ये, उसकी सेल्स हो जाएंगी इतनी,
और प्रॉफिट हो जाएगा इतना। नंबर 4, अडेप्टेबिलिटी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के लाइफ के अंदर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्हें हर साल भले सेल हो या फिर ना हो, उन्हें फोन्स को लॉन्च करना पड़ेगा, उन्हें प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते रहना पड़ेगा। हम और आप, मैंने पहले भी बता रखा है, कितनी भी बातें कर लें, हिस्ट्री में भी हमें ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जा चुके हैं जो हमारे उतने काम के नहीं थे, लेकिन हमने अपने हिसाब से उसे चेंज कर लिया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया ताकि वो हमारी लाइफ में फिट हो सकें। सिमिलरली फोल्डेबल्स के साथ भी यही होगा। कुछ टाइम के बाद हमारी नीड को वो कंपनीज या तो हम खुद इस तरीके से चेंज कर देंगे कि फोल्डेबल्स हमारे लाइफ का एक हिस्सा हो जाएगा और हमें उसकी ज़रूरत रहेगी, ना कि वो एक एक्सेसरीज की तरह काम करेगा। और वैसे भी अगर मार्केट में कोई चीज़ आ गई तो उसके बिकने के लिए ये रीज़न तो बहुत है। सो आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं फोल्डेबल टेक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जिस तरीके से मार्केटिंग करी जा रही है, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि फोल्डेबल्स का एक्चुअल में यूज है, नॉर्मल पब्लिक के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। रीजन सिंपल है, जिस वजह से मेरे दोस्त ने अपने फोन को बेचा था, स्क्रैचेस, धूल, ड्यूरेबिलिटी। मैंने बहुत जगह ये देखा है, जो लोग यूज कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि नहीं, एक्चुअल में इसका यूज केस है, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ये लगता है कि उन्होंने इस यूज केस को खुद डेवलप करा है। तो वेल, मुझे उम्मीद है आज का पूरा डिस्कशन आपको लॉजिकल लगा होगा। आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और जाने से पहले गो पैसा ऐप को चेकआउट जरूर करना।